हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपना इंस्टा लाइव लेके। और हमें आज जो ज्वाइन करने जा रही हैं उनका नाम है कृष्णा मुखर्जी, जिन्होंने ये है मोहब्बतें में आलिया के नाम से जिन्होंने रोल किया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस हैं वो। बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करेंगी, सो उनके लिए अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अपने मैसेजेस रेडी कर लीजिए और हमें कमेंट में लिखते जाइए कि आप कौन से क्या क्या पूछना है। सो बस वी आर वेटिंग फॉर हर, अभी बस कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगी। सो हम उनका वेट कर रहे हैं गाइस, तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिए। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे कृष्णा। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, कुछ साउंड बेटर, लिटिल बेटर। या कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आप अभी? अभी तो I just got ready and I have to make few videos and I have to come live. So अभी तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने, to be very honest. I know. Thank you so much कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं, बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत दिन anything हो गया हम। Anything for them. कैसा बीत रहा है आपका ये लॉकडाउन पीरियड? मेरा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा ही बीत रहा है विद माय फैमिली। आई फील बैड फॉर दोस जो अपने घर से अलग रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। फॉर देम आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर मी इट्स गुड। सो नाउ यू आर स्टेइंग अलोन या कोई फैमिली मेंबर साथ में है या बिल्कुल अकेले हो अभी? आई एम इन दिल्ली विद माय फैमिली राइट नाउ। ओके, सुपर। बहुत ही अच्छे टाइम पे मैं यहाँ पे आ गई, मेरा एक इवेंट था सो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई बैक बट मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँ अभी, एंड थैंक गॉड मैं नहीं आई बिकॉज ये लॉकडाउन का फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया। सो या आई गॉट लकी। सुपर। सो अभी तो ये सब कुछ बंद पड़ा है, अभी आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो होल्ड पर हैं या फिर अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जो काम है वो यू नो यू हैव टू गो शूट पे जाना, उसके बाद अगर ऑडिशन के लिए भी जाना, मीटिंग्स के लिए भी जाना, तो घर में बैठे बैठे तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ऑडिशन के लिए ये हो सकता है कि यू कैन रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू पीपल राइट, बट भेज के भी वो क्या ही करेंगे अभी? Exactly. शायद रूमर्स हैं, पता नहीं क्या है, पीपल आर सेइंग कि एक्सटेंड होने वाला है। डोंट नो। क्या लगता है, आपने फॉलो किया? अभी हमने लाइट जलाई अभी 5 तारीख को 9 बजे। I did. I posted a video also. But you know, it's so funny. There's so many people. Yes. मोदी जी ने specially बोला था कि please सिर्फ दिए candles यही जलाना अपने घर के बाहर। Again, people they were like पटाखे फोड़ रहे हैं, गली में निकल रहे हैं और मशाल ले लेके जा रहे हैं झुंड में। Exactly. घर में आग लग गई and एक बंदा उस तो खुद पे वो आग फायर लग गया। सो करना ही क्यों है, जितना बोला है जस्ट डू दैट। सेम हैपेंड एट द पॉइंट जब उन्होंने थाली वाली बजाने को बोला तो पीपल आर कमिंग, रोड पे आ रहे हैं, वो गरबा कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग वर्स नाउ। होने की बजाय ये और बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही लोग करते रहेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने कुछ सीखा, कुछ स्पेशल कुकिंग सीखी या फिर कुछ ऐसा बनाया आपने कुछ? यस, मैंने कल फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कढ़ी बनाई, पंजाबी कढ़ी। वाओ। या वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली ही चैलेंज्ड मी, सो मैंने कढ़ी बनाई कल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वाओ। I posted also जो रेसिपी थी वो मैंने पोस्ट की थी मतलब माय स्टोरीज। यस, सुपर। कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो टच में हैं या जिनसे बात हो रही है फोन पर या वीडियो कॉलिंग हो रही है? एवरीबॉडी इज इन टच। कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड आपकी जो लाइफ में भी हम लोग मिल नहीं पाते हैं बिकॉज़ वी बिजी, सो अभी तब भी हम लोग टच में होते हैं एक दूसरे के थ्रू व्हाट्सएप, फेसटाइम एंड ऑल। सो अभी भी वी आर वेरी मच इन टच। मुंबई को कितना मिस कर रहे हो आप अभी? आई एम मिसिंग। ओ क्या इतना तैयार होके क्यों बैठी है राहुल शर्मा? इतना तैयार होके क्यों बैठी है राहुल? क्योंकि मुझे लाइव आना था एंड
नहीं नहीं वो बहुत प्रिटी लग रही है, प्लीज ना ऐसे कुछ भी कमेंट मत करो आप. यस राहुल सुनो, प्लीज लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल. बहुत टाइम हो गया मिले हुए हमको, सेट का याद है हम सेट पे आते थे और हम इंटरव्यू करते थे. वी आर बैडली मिसिंग दैट सेट, दैट सीरियल, एवरीथिंग. मतलब बहुत मिस करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा. आप आपको भी लगता होगा ना सारा चीजें सब याद करते होंगे आप. यस 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 टोटली आई मिस देम अ लॉट. तो अभी अभी आप रामायण और महाभारत वगैरह फॉलो कर रहे हो घर पे, लोग देखते हैं फैमिली वाले? नहीं टाइम नहीं मिलता है, काम है घर पे. अच्छा तो क्या क्या काम है ऐसा, जैसे भी मीडिया से इंटरेक्शन, और अभी आप क्या क्या कर रहे हो घर पे? एग्जैक्टली क्योंकि फैंस को भी दिखाना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट यू नो आप बिजी रखो अपने आप को, बाहर नहीं जाओ. सो आई कुक, घर साफ सफाई करना एंड ऑल, एंड उसके बाद खाना वाना बनाना, कुछ नया कुछ सीखना यूट्यूब पे. सो या और उसके बाद कुछ टाइम मिल जाए अगर तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं. कौन सी सीरीज देखी रिसेंटली? मैंने असुर देखी एंड आई लव्ड इट, बहुत ही अच्छी है. और कौन कौन सी फेवरेट फेवरेट फिल्म्स हैं आपकी जो आप पसंद करते हो देखना फ्री टाइम पे? फेवरेट फिल्म्स तो मैंने अभी परसों आई थिंक आई सॉ दिस वन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी आपने? परदेश. आई लाइक दीस फिल्म्स, तो मैं ये फिल्म्स देख रही हूँ आजकल. ऑब्वियसली नई फिल्म्स भी देख रही हूँ बट आई लाइक यू नो पुरानी फिल्म्स ज्यादा मुझे पसंद है. हॉबीज क्या है आपकी कृष्णा? डांस? हाँ अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बोल भी नहीं सकती कि अगर मैं डांस करके दिखाऊं. ब्रिलियंट कोरियोग्राफर, तो मैंने उनको एक सॉन्ग भेजा है, आज वो रिकॉर्ड करके भेजेंगे एंड देन आई लर्न इट एंड देन मैं पोस्ट करूंगी. वी लव दैट सॉन्ग गुरु के साथ जो आपका एल्बम आया है, वी लव इट. कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुरु तो बहुत मतलब वो सही में गुरु है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? Very sweet, down to earth, very talented, and उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. I mean, ऐसा लगा नहीं कि you know his guru Randhawa. अच्छा मतलब बिल्कुल down to earth. Krishna, hi. Balraj is saying hi. तेरे बाल. मैं पिछली बार भी यही बोल रही थी कि बलराज तुम अपने बाल देख लो कितने खूबसूरत हैं. अच्छा और क्या क्या करते हो आप खाली टाइम पे? जब आप नॉर्मली सेट पे होते हो तो आप बहुत बिजी होते हो, जब वहाँ सेट पे आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या क्या करते हो वहाँ पर? वहाँ पे I cook sometimes and sometimes and नहीं तो Netflix, I meet my friends. अच्छा yeah okay that's it. उसके अलावा और क्या होगा? बहुत सारे फैंस हैं जो जानना चाहते हैं आपकी कुछ चीजें जो आपकी पर्सनल फेवरेट्स हैं, जैसे आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन वो क्या है? अभी तो मैं लास्ट दुबई गई थी, आई लव्ड इट. अच्छा मतलब ऐसा कोई ड्रीम जगह जहाँ पर आप जाना चाहें? आई वेंट देयर विद अदिति. हां क्या क्या? आई वेंट देयर विद अदिति सो इट वाज फन, वी हैड रियली ग्रेट टाइम. हां या और फेवरेट फूड क्या है आपका? अभी तो सोच भी नहीं सकते, हॉलीडेज के बारे में सोचने में भी डर लगता है. बस प्लानिंग की मैं अपने बर्थडे पे कहीं जाऊंगी माय फ्रेंड्स विद माय सिस्टर, बट नाउ तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल घर पे ही ना बर्थडे. क्या लग रहा है कितने टाइम तक ये चलने वाला है, कुछ आपको आइडिया लग रहा है? सी चलने वाला है ये तो हम पे डिपेंड करता है. अगर लोग ऐसी पागलपंती करते रहेंगे एग्जैक्टली तो फिर ऑब्वियसली जल्दी बंद नहीं होने वाला है. ये काफी लोग हैं जो पर्पसली इस चीज को खराब कर रहे हैं. एग्जैक्टली लोगों को थोड़ा लिसन सुनेंगे हम सबको एंड अगर थोड़ा प्रिकॉशंस लेंगे तो फिर मे बी हो जाए जल्दी, बट आई डोंट थिंक इट्स यू नो सेफ टू ट्रैवल अभी. तो अभी अभी आपके कोई बॉलीवुड से ऑफर या कुछ आया है ऐसा? क्योंकि अब तो आप धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए आलिया, मतलब हमने जब आपको देखा था नाउ यू आर डूइंग सो सो वेल.
सो अभी अभी व्हाट नेक्स्ट? नो एक्चुअली अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. आई हैव नेवर ट्राइड, बट यस आई वांट टू ट्राई फॉर पंजाबी फिल्म. बट इज देयर एनी स्टोरी इन योर माइंड, इज देयर एनी जॉनर इन योर माइंड दैट यू, अगर आपको ऑफर आए तो जस्ट झटपट हाँ बोल दो आप, ऐसा कुछ? हाँ, पंजाबी स्टोरी. हाँ, कोई पंजाबी लड़की. ओके, तो अभी यहाँ से अभी इस चैट के बाद क्या करने वाले हो आप? इसके बाद इसके बाद मेरी सिस्टर भी खाना बना रही है, तो मुझे अपने नेफ्यू को खाना खिलाना है. तो मेड्स मेड्स एंड ऑल है घर पे? नो नो नो, नोबडी इज अलाउड. सारा काम आप पहले उन्होंने मना कर दिया दैट नोबडी कैन कम इन, नोबडी कैन गो आउट, तो सबको हटा दिया अभी आपने. बट यू नो इन अ वे इट्स गुड कि अभी मेड्स नहीं है, अगर मेड्स होती तो हमारे पास बहुत टाइम होता. मेड नहीं है इसलिए इसे करना पड़ता है एंड ऐसे दिन भी निकल जाता है और एक्सरसाइज हो जाती है इसी तरीके से. ओके, सो अभी अभी जो भी घर में मेंबर्स है, अभी आप लोग ग्रोसरी वगैरह जो भी बाहर से सामान कैसे आ रहा है, कैसे वेजिटेबल्स आ रही हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग घर पे सब कुछ? हाँ, बट इन दिल्ली अभी ऐसा है कि अगर किसी को ग्रोसरी चाहिए है, अगर लेने जाना है, तो ओनली वन पर्सन कैन गो, घर में से सिर्फ एक जना ही जा सकता है. ओके, सो हम लोग हम लोग हफ्ते में एक दो बार जाते हैं, मतलब माय जीजू वो जाते हैं ग्रोसरी लेके आते हैं, एंड हम उतना ही सामान लेके आते हैं जितने की जरूरत है. ज्यादा हम सामान नहीं लेके आते जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, मे बी किसी और को जरूरत हो. सो अभी 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 अपने फ्रेंड्स को तो आप बैडली मिस कर रही हैं इस समय, अभी आप घर के सारे काम कर रही हैं, आप कुकिंग भी कर रही हैं इस समय, सो व्हाट लेफ्ट? अभी अभी कुछ ऐसा काम है जो आप लग रहा है कि बस ये जल्दी से खत्म हो और मैं स्टार्ट करूं? नहीं, फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ कर लिए. नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपकी शूटिंग से रिलेटेड या कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि अभी मुझे बस बैडली मिस हो रहा है और ये खत्म हो जाए और बस मैं उस पर टूट करूं. बिल्कुल, I'm missing my work. And still I am in touch. Yes, I yes. I'm missing my work right now. I want to work now. Okay. So घर में अभी क्या आदत नहीं है इतनी देर घर बैठने की. And you know घर का इतना काम चाहिए, it's good करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में काम भी होना चाहिए. जिससे आप used to होते हो, right? So now I am craving for work. अभी घर में कितने मेंबर्स हैं इस समय आपके ये क्वारंटाइन पीरियड में? माय जीजू एंड माय नेफ्यू. ओके, एंड अभी तो कोई प्लानिंग नहीं होगी मुंबई आने की फिलहाल, तो जब तक के लॉकडाउन नहीं खत्म हो? नॉट एट ऑल. आई थिंक मुंबई में दिल्ली से ज्यादा बुरा हाल है अभी. बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली, सो इट्स ओके, आई कैन वेट. ओके, एंड आई थिंक आई विल वेट. ओके, सो अभी कौन सी वेब सीरीज देखने जा रहे हैं? आई एम सॉरी, नेक्स्ट कौन सी वेब सीरीज आप देखने जा रही हैं, और अपने अपने फैंस को कौन सी सीरीज प्रिफर करती है कि ये क्वारंटाइन टाइम पे देखो? सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मनी हाइस्ट, सो आई थिंक आई विल वॉच दैट, एंड मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि देखो क्योंकि सब देख रहे हैं. ओके, या एंड यू गाइस कैन वॉच यू आल्सो. सो यू फॉलो ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, Amazon, Voot, Hotstar, everything you're watching, or any particular? Mostly Amazon, Netflix, and then Amazon. Yeah. Okay. So Krishna, चलते चलते कुछ अपने viewers को, अपने fans को message दीजिए. इतने लोग आपको hi, hello और कितने messages भेज रहे हैं, तो उनको बताइए कि lockdown को proper follow करें और कैसे use करें अपना time. मैं बस ये बोलूँगी, please जितना कहा है ही कीजिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. उससे ज्यादा अगर आप कुछ करेंगे एक्स्ट्रा तो वो आपके लिए ही बुरा है. जैसे आप लोगों ने देखा कि सिर्फ कैंडल जलाने के लिए कहा था, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं कहा था. आप लोगों ने पटाखे फोड़े, आप लोगों ने नहीं, मे बी है कुछ लोग जिन्होंने फोड़े पटाखे और लोगों के घर में वो आग लग गई, तो इससे क्या होगा? कोरोना वायरस तो है ही है, ये नुकसान भी हो रहा है. हाँ, अदर प्रॉब्लम्स के लिए.
एग्जैक्टली और ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल रही है राइट. सो मैं सबको ये बोलूंगी प्लीज घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ. एंड आप लोग सुन सुन के तो ये पक ही गए होंगे. सब बोलते हैं स्टे एट होम स्टे सेफ, बट प्लीज दिस इज द टाइम एक साथ रहना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है. पर अपने फैंस को बोल दीजिए सिने स्पीक्स को भी फॉलो करें और रेगुलर टच में रहें. फॉलो कीजिए सिने स्पीक्स को. एंड रिचा थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए. आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम. आप हमेशा से बहुत डार्लिंग, बहुत स्वीट रहे हो हमेशा से. तो सबसे पहले दिमाग में आप ही का नाम आया था कि मैं आप ही को मैसेज करूंगी और आपसे बात करूंगी. जल्दी मिलते हैं. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ज्यादा बाहर मत जाइएगा आप भी और ध्यान रखिए अपना. मिलते हैं जल्दी मुंबई में फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ. ओके देन, बाय बाय. थैंक यू, बाय बाय बाय.